Hey, so I just got home and I'm in Atlanta. Just been delivered a package. That package is an iPad. And on that iPad is a script. This pillow's doing my nutting. And that script is Spider-Man 3. So I'm about to find out what I'm going to be doing for the next 5 months. I'm not going to tell you anything about it because I've learned my lesson. But I'm so excited. Oh, shit. I broke this iPad. Okay, I'm going to read this now, and I can't wait, and I'll speak to you all soon. Okay, so, we just landed in Atlanta, and it's time for Spider-Man 3. Let's go! Hey guys, तो कैसे हैं आप सब? तो आप देख रहे हैं मूवीज अलाइज़। मेरा नाम मलिक रमीज़ और आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन 3 के बारे में एक बार फिर से। आपने पिछले 2 से 3 मंथ्स में स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स सुने होंगे, जैसे कि एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैग्वायर वापस आ रहे हैं स्पाइडरमैन 3 में, और मूवी पूरी की पूरी मल्टीवर्स पर बेस करने वाली है। मूवी में इन्वॉल्व होने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज भी, और साथ साथ मूवी की जो शूटिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और इस दिसंबर में आ जाएगा स्पाइडरमैन 3 का टीजर भी। टीजर नहीं तो एटलीस्ट फर्स्ट लुक आ जाएगा मूवी का। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेरी पिछली वीडियोस में, लेकिन गाइस हमारे पास आज न्यूज है ऑफिशियली मार्वल की तरफ से। मल्टीवर्स को टोबी मैग्वायर को और एंड्रयू गारफील्ड को कंफर्म करते हुए स्पाइडरमैन 3 में। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सोनी ने ऑफिशियली कुछ घंटे पहले यूट्यूब पर इंटरनेशनली एक टीजर रिलीज किया था स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने यह टीज किया था कि तीनों स्पाइडरमैन आपस में मिलने वाले हैं और तीनों का क्रॉसओवर होने वाला है मल्टीवर्स में। यह टीजर अपलोड होने के कुछ ही टाइम बाद डिलीट हो गया और अब आप इस टीजर को नहीं देख सकते, जिसका मतलब है कि या तो यह ऑनेस्ट मिस्टेक थी और सोनी फायर करने वाला है उस बंदे को जिसने वीडियो अपलोड की थी उनके चैनल पर। मे बी सोनी इस टीजर को ऑफिशियली कुछ टाइम बाद रिलीज करने वाला था और स्केड्यूल करने वाला था फ्यूचर की किसी डेट के लिए, जो हमने पहले बात की थी कि इसी महीने यानी कि दिसंबर में आने वाला है स्पाइडरमैन 3 का पहला लुक। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने पहले स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी और आपने उसकी वीडियो भी देखी इस वीडियो के स्टार्ट में। तो सोनी टीजर या फिर एटलीस्ट फर्स्ट लुक 1 महीने में इजीली प्रिपेयर कर सकता है। इसके बाद गाइस सेकंड रीजन ये हो सकता है कि सोनी ये सिंपली मार्केटिंग के लिए कर रहा है, और सोनी ये पहले भी कर चुका है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के साथ। अगर आपको याद हो तो टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की फिल्मिंग के टाइम भी एक वीडियो अपलोड की थी, और उस टाइम हम मूवी का टाइटल नहीं जानते थे और टॉम हॉलैंड ने एक्सीडेंटली वो टाइटल रिवील कर दिया था वीडियो में, जो कि ऑब्वियसली प्लान था और स्क्रिप्टेड था। टॉम हॉलैंड ने वो वीडियो डिलीट नहीं की और वो वीडियो अभी भी होगी उनके इंस्टा पर। इसके अलावा गैस इन्फिनिटी वॉर के रिलीज के टाइम टॉम हॉलैंड ने एक ऑनेस्ट मिस्टेक की थी और इन्फिनिटी वॉर का पोस्टर हम फैंस को भी दिखा दिया था। वो पोस्टर टॉम हॉलैंड ने लाइव स्ट्रीम में खोला था और वो पोस्टर सिर्फ टॉम हॉलैंड के देखने के लिए था, उसके पीछे कॉन्फिडेंशियल लिखा था और वो टॉम हॉलैंड ने नहीं देखा। तो गैस वही था वन टाइम जब टॉम हॉलैंड ने ऑनेस्ट मिस्टेक की थी। उसके बाद सोनी आजकल मार्केटिंग रीजंस की वजह से टॉम हॉलैंड के थ्रू अपनी मूवी के टाइटल्स को रिवील करवाता है। तो गाइस प्रोबेबली ये वाला अपलोड भी एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी और जिस बंदे ने वीडियो अपलोड की है वो फायर होने वाला है सोनी से। अब ये बात ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि टोबी मैग्वायर और एंड्रयू गारफील्ड वापस आने वाले हैं स्पाइडरमैन 3 में अपने रोल रिप्राइज करने के लिए। फिर भी गाइस आप अपनी उम्मीदें इस न्यूज से मत लगाइए, ये शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस सिर्फ 5% है। हॉलीवुड में इतने ज्यादा गलत रूमर्स कभी भी नहीं आते, और ये तो ऑफिशियली सोनी की तरफ से था। इसके अलावा गाइस सोनी ने इसी टीजर के स्पेनिश वर्जन में ये टेक्स्ट लिखा था, ये उसकी ट्रांसलेशन है, वो ओरिजिनली स्पेनिश में था। हु इज योर फेवरेट स्पाइडरमैन? यू डोंट हैव टू चूज। इन द मार्वल मल्टीवर्स एनीथिंग कैन हैपन, एंड इन स्पाइडरमैन 3 इट इज वेरी पॉसिबल यू विल सी एवरीवन। यस, द 3 पीटर पार्कर सेविंग द वर्ल्ड टुगेदर। और ये गाइस सब कुछ ऑफिशियली सोनी की तरफ से आया, लेकिन उसके बाद सोनी ने उस टीजर को टेक डाउन कर दिया। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें मूवी के टाइटल के बारे में, तो वो इस मंथ आने की न्यूज है सोनी के एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से। तो सोनी रिलीज करने वाला है मूवी का फर्स्ट लुक प्रोबेबली मूवी के टाइटल के साथ ही। अगर हम बात करें स्पाइडरमैन के सूट्स के बारे में, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अब टोनी स्टार्क एमसीयू में नहीं रहा, और साथ साथ स्पाइडरमैन ऑन द रन भी है, उसके पास नए सूट बनाने का टाइम नहीं होगा। उसके पीछे सारी पुलिस और विलन्स लगे होंगे और उनको इवन स्पाइडरमैन का घर भी पता होगा। तो पीटर का स्पाइडरमैन 3 में सूट बनाना अपना स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की तरह
थोड़ा सा मुश्किल है। और साथ साथ जो कोर स्पाइडरमैन के फैंस हैं वो ये बात डिमांड कर रहे थे कि स्पाइडरमैन को जो हेल्प है वो बहुत ज्यादा मिल रही है बाकी एवेंजर्स से और साथ साथ टोनी स्टार्क से। उसने फार फ्रॉम होम में इजीली अपना नया सूट डिजाइन कर लिया खुद से और उससे पहले टोनी ने उसे बना बनाया सूट दिया। फैंस स्ट्रगल करता हुआ देखना चाहते हैं पीटर को अपना सूट बनाते हुए ऑर्गेनिकली। तो जो सूट बनाएगा पीटर स्पाइडरमैन 3 में वो अब तक का सबसे ज्यादा लो टेक वर्जन होगा सूट का, उसमें टेक काफी ज्यादा कम होगा और पीटर की अपनी मेहनत ज्यादा होगी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आप स्पाइडरमैन 3 की सारी न्यूज से कम्प्लीटली इन्फॉर्म हो गए होंगे। इसके अलावा गाइस मैं बहुत जल्द वीकली बेसिस पे वीडियोस लाने वाला हूँ उस वीक की सारी न्यूज को एक्सप्लेन करते हुए। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कॉर्विस ग्लेव को अवेंजर्स एंड गेम में किसने मारा था, उसका आंसर है ओकाई ने। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है एंटमैन की क्वांटम रियलम वाली वैन कैसे डिस्ट्रॉय हुई थी अवेंजर्स एंड गेम में। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।